नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल सरकार का फैसला, बच्चों के लिए 25 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। थकान मिटाने शिमला आया गांधी परिवार, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी पहुंचे। हिमाचल के 3 शहरों में बनेंगे ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंग, निखरेगी खिलाड़ियों की प्रतिभा। हिमाचल में स्वर्ण आयोग की मांग पकड़ रही जोर, आरक्षण हटाने को लेकर हल्ला बोल। कांस्टेबल भर्ती आवेदकों के लिए प्रदेश में बनाए गए 8 हेल्प डेस्क। IGMC में 7 माह के मासूम की मौत, मां ने लगाए गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप। हिमाचल के 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 25 सितंबर तक बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे, साथ ही ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। बता दें कि आगामी 24 सितंबर को जयराम सरकार की कैबिनेट मीटिंग निर्धारित है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट मीटिंग में स्कूलों को दोबारा खोलने पर सरकार फैसला ले सकती है। याद रहे कि पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखा गया था, जिसकी मियाद कल पूरी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही सरकार की तरफ से स्कूल बंद रखने का नोटिस जारी किया जा चुका है। पंजाब के सियासी घमासान को निपटाने के बाद आज पूरा गांधी परिवार शिमला के निकट चराबड़ा में बने प्रियंका गांधी वाड्रा के घर पहुंच गया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही प्रियंका गांधी परिवार के साथ चराबड़ा पहुंची थी और आज सुबह कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटी के पास पहुंच गई हैं। फिर दोपहर बाद राहुल गांधी भी वहां पहुंच गए हैं। इसी बीच शाम के समय सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए प्रियंका के घर के बाहर सोनिया गांधी दिखाई दी। इसके साथ ही प्रियंका भी काम करने वालों को कुछ निर्देश देती हुई दिखाई दी। बता दें कि गांधी परिवार का यहां पर 3 दिन तक रुकने का कार्यक्रम है। हिमाचल प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। ये बात खेल मंत्री राकेश पठानिया ने सोमवार को मलकवाल से केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ वर्चुअल बैठक में भाग लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि विंटर ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए धर्मशाला, मनाली और शिमला में ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंग का निर्माण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसके लिए अभी तक 2 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। पठानिया ने कहा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की ओर से 22 परियोजनाएं मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई हैं, जिनमें से 4 को स्वीकृति मिल चुकी है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती में आरक्षण के खिलाफ क्षत्रिय संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। क्षत्रिय संगठन ने आरक्षण के खिलाफ प्रदेश भर में DC के माध्यम से राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर को ज्ञापन भेजा। शिमला में भी संगठन के पदाधिकारियों ने DC को ज्ञापन सौंपा और पुलिस भर्ती में आरक्षण खत्म करने की मांग रखी। साथ ही मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस मौके पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष मदन सिंह ने कहा कि स्वर्ण परिवारों के योग्य युवाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मदन सिंह ने कहा कि प्रदेश में हो रही पुलिस भर्ती में जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, जिसके चलते स्वर्ण परिवारों के युवा पुलिस में भर्ती होने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण की वजह से काबिल युवाओं का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है।
इसी बीच उन्होंने स्वर्ण आयोग के गठन की मांग भी रखी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में आरक्षियों के 1334 पदों के लिए शुरू हो रही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 स्थानों पर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। आईजी ट्रेनिंग जेपी सिंह ने बताया कि इन हेल्प डेस्कों के माध्यम से अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वो विज्ञापन अधिसूचना में दिए गए सभी निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ें और सभी जरूरी कागजातों के साथ अच्छी तरह से आवेदन पत्र को भरें। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उपचार के दौरान लापरवाही बरतने के मामले कई बार सामने आते रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला सोमवार को भी सामने आया है, जिसमें एक माँ का आरोप है कि उसके बच्चे को गलत इंजेक्शन दिया गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। इतना ही नहीं, सोमवार सुबह इस मामले को लेकर अस्पताल में हंगामा भी हुआ। 7 महीने के बच्चे को रविवार को रोहड़ू के देवीधार गांव में इलाज के लिए आईजीएमसी लाया गया था। बच्चे को खांसी थी, जिसके चलते उसे चिल्ड्रंस वार्ड में दाखिल कर लिया गया। सोमवार सुबह बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद बच्चे के शरीर में लाल निशान पड़ने लगे और कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई। हालांकि अभी तक आईजीएमसी प्रशासन की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश में 21 सितंबर को 4 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान प्रदेश के कम और मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 25 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा और बारिश भी होगी। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने का पूर्व अनुमान लगाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।